स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे थंबनेल नोट शो। जब भी आप कोरल ड्रॉ में कोई सीडीआर फाइल बनाते हो तो उसका जो थंबनेल है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, उसका जो एक्चुअल प्रीव्यू है उसका फाइल का वो आपको नहीं दिखता। और इसके रिगार्डिंग मैं इससे पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, बट उसमें कुछ ऑडियो इश्यूज था और उसमें ये भी एक प्रॉब्लम थी कि आपके सिस्टम में जब दो कोरल इंस्टॉल होते हैं, दो कोरल के वर्जन इंस्टॉल होते हैं, तो ये ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ इश्यूज़ के और उसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप जब भी कोई सीडीआर फाइल बनाते हो तो आपको वो इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक्चुअल जो उसका प्रीव्यू है वो फाइल का थंबनेल आप कैसे देख पाएंगे, उसके लिए सिंपली आपको जाना है विंडो में और कंट्रोल पैनल, या फिर आप सीधे माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप देखेंगे ये अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम, इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे जो कोरल ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ का जो कोरल ग्राफिक विंडोज़ शेल एक्सटेंशन, ठीक है, इसको आपको करना है यहाँ से अनइंस्टॉल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ही सेकंड्स में अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये यहाँ से रिमूव हो चुका है, आप एक दो बार रिफ्रेश कर लीजिए इसको। और अब आप जाएंगे माई कंप्यूटर में विंडो सी पे, ठीक है, सी ड्राइव में, या फिर आप यहाँ से भी एक्स को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सी ड्राइव में आप जाएंगे विंडो में, विंडो में आने के बाद आपको यहाँ आपको जाना है प्रोग्राम फाइल में। प्रोग्राम फाइल में आने के बाद आपको यहाँ कोरल का दिखेगा आपको फोल्डर, और कोरल में आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, अगर आपने X3 कर रखा है, X4, X5, जो भी अदर वर्जन इंस्टॉल कर रखे हैं, तो आपको जो फाइल एक्सटेंशन जो उसका इंस्टॉल करना है वो आपको अपर वर्जन का करना है, यानी कि आप सबसे बड़े वर्जन का आपको इसमें फाइल एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो मैं X7, यानी कि मेरे इसमें सबसे बड़ा वर्जन X7 है, तो मैं X7 पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद आप जाएंगे सेटअप पे, सेटअप पे यहाँ आपको सबसे जो पहला फोल्डर है CGS17, इस पर आपको करना है क्लिक, और यहाँ आपको मिलेगा शेल एक्सटेंशन, वही जो आपने इंस्टॉल किया था, आपको उसको डबल क्लिक कर यहाँ से इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको उसको एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट इंस्टॉल। तो ये जस्ट फ्यू सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, इसको आप फिनिश कर दीजिए। अब आप अपने फोल्डर में जाइए जहाँ आपके जो फाइल थंबनेल थे, ठीक है, यहाँ आप रिफ्रेश करिए, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में एक ही कोरल इंस्टॉल होता है तो ये प्रॉपर वर्क करता है, बट जब दो कोरल इसमें इंस्टॉल होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। अब आपको क्या करना है, आप किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ आपको चेंज पे क्लिक करना है और आपको करना है अपर वर्जन, ठीक है, आपको 7 पे ही क्लिक करना है और ओके और अप्लाई, ओके। तो आप देखेंगे आपको एक ही बार में जो भी थंबनेल्स थे जो आपको दिख नहीं रहे थे इसमें, वो सारे के सारे आपको फाइल प्रीव्यू दिख रहे हैं, ठीक है। आप इजीली अपने फाइल को देख सकते हो कि आपके फाइल में कौन सा, मतलब आपने कौन सा डिज़ाइन बनाया था, आप इजीली उसको ओपन करने में आपको बहुत सहायता होती है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।